अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम, माय उर्दू वर्ल्ड में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप अस्करी बैंक के मोबाइल ऐप को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अस्करी बैंक के ऐप के ज़रिए आप कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको अस्करी बैंक के मोबाइल ऐप के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करने का तरीका बताया जाएगा। अस्करी बैंक से अस्करी बैंक के किसी भी दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के कोई चार्जेस नहीं होते। अस्करी बैंक से अगर आप किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन में अस्करी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये तक ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको इसके कोई चार्जेस अदा नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप एक दिन में 25,000 रुपये से ज़ायद रकम अस्करी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आप जितनी भी रकम दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे उसका 0.1% अमाउंट आपको अदा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप अस्करी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक में 1,00,000 रुपए ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 0.1% के हिसाब से 1,000 रुपए इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये अमाउंट आपके अस्करी बैंक के अकाउंट से डिटेक्ट होंगे। आप अस्करी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में एक महीने में मैक्सिमम 10,00,000 रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अस्करी बैंक से अस्करी बैंक के किसी भी दूसरे अकाउंट में भी मैक्सिमम 10,00,000 रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अस्करी बैंक के मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करते हुए फंड ट्रांसफर किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर मालूमती वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपके मोबाइल में अस्करी बैंक की मोबाइल ऐप इंस्टॉल्ड और रजिस्टर्ड है तो आप अस्करी बैंक की ऐप ओपन कर लें। आपके सामने अस्करी बैंक की लॉगिन स्क्रीन शो हो जाए। यहाँ आप अपना यूज़र नेम टाइप करें और यहाँ पासवर्ड टाइप करें और यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद लॉगिन एंड गेट पिन वाले बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन में आपसे कहा जाएगा एंटर पिन कोड, तो यहाँ अपना 4 अंकों का पिन कोड दर्ज करें जो आपने अस्करी बैंक के रजिस्ट्रेशन के दौरान सेट किया था। पिन कोड डालने के बाद आप अस्करी बैंक की ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने अस्करी बैंक ऐप की मेन स्क्रीन शो हो जाएगी। आप ट्रांसफर फंड पे क्लिक करें, आपके सामने ट्रांसफर फंड्स की स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ आपके अकाउंट में जितनी रकम अवेलेबल है वो शो करेगा। अस्करी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको उसे बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना पड़ता है। उसके लिए आपको सिलेक्ट बेनिफिशियरी के नीचे न्यू बेनिफिशियरी के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आपको जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। उसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन अस्करी बैंक के ऐप में ऐड करनी होगी। जब आप उसको बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पर उसका नाम और अकाउंट नंबर शो होगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है तो मैं जिसको पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ उसके नाम पर क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन में जहां बेनिफिशियरी लिखा हुआ होगा वहां जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम और अकाउंट नंबर आपके सामने शो होगा। उसके नीचे जहां सिलेक्ट पर्पस लिखा है उसके नीचे ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप पैसे किस मकसद के लिए सेंड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोन पेमेंट के लिए पैसे सेंड करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लोन पेमेंट पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद जहाँ अमाउंट लिखा है उसके नीचे आप वो अमाउंट टाइप करें जो आप सेंड करना चाहते हैं। अमाउंट टाइप करने के बाद नीचे डेट वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद जहां एफ पिन लिखा है उस जगह आपको 4 अंकों का फाइनेंशियल पिन दर्ज करना है। इसके लिए पहले आप गेट एफ पिन वाले बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा, फाइनेंशियल पिन जनरेट हो गया है और आपके रजिस्टर्ड नंबर पर 4 अंकों का कोड रिसीव होगा। अगर आपके मोबाइल पर रजिस्टर्ड सिम लगी हुई है तो पिन कोड ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगा, वरना आपको वो 4 अंकों का पिन कोड खुद दर्ज करना होगा। उसके बाद आपके सामने कंफर्म ट्रांजैक्शन का बटन शो हो जाएगा। आप कंफर्म ट्रांजैक्शन वाले बटन पर क्लिक कर दें। आपकी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा कि मतलूबा रकम कामयाबी के साथ ट्रांसफर हो चुकी है और ट्रांसफर की रेफरेंस आईडी भी शो हो जाएगी। ये डिटेल आप इस लिंक पर क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अस्करी बैंक मोबाइल ऐप के जरिए फंड ट्रांसफर करने के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।